अब इस हिस्ट्री में आप देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले अब्दुल मलिक, ठीक है, अब्दुल मलिक, ये जो लाल लाइन है, अब्दुल मलिक 692 में डेड हुए। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब्दुल मलिक कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले कुरान में नुक्ते, ज़बर, ज़ेर, पेश और वावल्स ऐड किए थे। तो इस लाइन, रेड लाइन से पहले कुरान में कोई डायक्रिटिकल मार्क्स नहीं थे, और इस लाइन के बाद से अब जब डायक्रिटिकल मार्क्स लग गए कुरान में, और कुरान अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से पढ़ना शुरू हो गया, तो हर इलाके के अंदर जो उधर का मशहूर कारी था उसके नाम से कुरान मशहूर हो गया। जैसे कि मदीना के अंदर नाफी का कुरान मशहूर हो गया, इब्ने कथीर मक्का के अंदर मशहूर हो गया, इब्ने अमर बसरा में मशहूर हो गया उनके नाम से कुरान। तो ये अलग अलग कुरान शुरू हो गए, उन जो कारी थे उनके नाम से वो कुरान होता था, और उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता था डायलेक्ट में, क्योंकि अब ज़बर ज़ेर पेश आ गई है तो एक ही लफ्ज़ को अलग अलग तरीके से पढ़ा जा सकता था। तो इन कुरानों में फ़र्क आना शुरू हो गया। तो देखें, आसिम जो है कूफा में होता था, उसका कुरान कूफा में बहुत मशहूर हो गया, हमज़ा का कुरान कूफा में मशहूर हो गया, और अलकसाई का कुरान कूफा में मशहूर हो गया। और भी बहुत सारे थे कारी जो कुरान, जिनके अपने किरात से, और ये तो वो हैं जो बहुत फेमस हो गए थे, और इनके स्कूल थे अपने अपने जिसके अंदर इनके स्टूडेंट थे। तो अब क्या हुआ कि उनके आगे आगे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने भी अपने अपने कुरान लिखने शुरू कर दिए। तो जैसे ये नाफ़ी का है, नाफ़ी ने अपना, उसके स्टूडेंट बहुत सारे थे, उनमें से एक है स्टूडेंट कालून, उसने अपना कुरान लिख लिया, वर्ष उसने अपना कुरान लिख लिया। इसी तरह इब्ने कथीर देख लें, तो उसने, उसके जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, उनमें से एक स्टूडेंट है अलबाजी, उसने अपना कुरान लिख लिया। ये सारे किरात है, अलग अलग किस्म के किरात, हर एक के नाम से, जिसने वो किरात की उसके नाम से वो कुरान मशहूर हो गया। तो ये जो सबसे पहले के जो ग्रीन में है ना, 7, ये सबसे बेस्ट करार दिए जाते हैं कारी, ठीक है ना। और ये बाकी जो है ब्लू, ये उनके स्टूडेंट्स हैं। अब और भी बहुत सारे थे। क्या हुआ कि अब एक पॉइंट पे आके ना, इब्न मुजाहिद जो है ना, 936 में आके ना उसने बोला कि भाई ये बहुत हो गया, बहुत सारे किस्म के कुरान हो गए, अब हमें फैसला करना पड़ेगा इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड कुरान है कौन सा नहीं। तो इस बंदे ने फैसला किया, बाकी जितने भी कुरान उस वक्त थे उनमें से उसने 7 कुरानों को चूज़ किया। और वो कौन कौन से थे? ये जो ग्रीन में है, ये वाले 7 जो कुरान है, इबन मुजद ने 936 में फैसला किया कि ये असल कुरान है। और ये 936, सोचे कितने 100 साल के बाद जाके इसने फैसला किया कि कौन से किरातें सही हैं कौन सी गलत है। तो इसने फैसला कर लिया, और इसके फैसले के मुताबिक इसने ये भी फैसला किया कि हर कारी जो है उसके आगे रावी कौन से है। तो उसने हर मास्टर के दो दो स्टूडेंट लिए, जो इसने फैसला किया कि कौन से सही स्टूडेंट है। कालून और वर्ष उसने नाफी के स्टूडेंट को चूज़ किया, इब्ने कतीर के अंदर उसने इन दोनों को चूज़ किया, अबू अमर के स्टूडेंट्स में से उसने इन दोनों को चूज़ किया। इस तरह इब्न मुजाहिद ने 936 में ये फैसला किया। अब आगे चल के इन 7 कारियों के अलावा आगे 1429 में अलजजरी ने भी फैसला किया कि नहीं नहीं ये काफ़ी नहीं है, इनके अलावा भी और हैं कारी जो सही किरात में पढ़ते हैं, उनका भी कुरान सही है। तो इसने फैसला किया कि और इन 7 में ये तीनों को भी ऐड कर लो, अबू जाफर को भी ऐड करो, याकूब को भी ऐड करो, खलफ को भी ऐड कर लो। और फिर उसी तरह जैसे उसने दो दो रावी रखे थे, इसने भी उस मास्टर के साथ दो दो स्टूडेंट को ऐड कर दिया और उसका नाम। और ये आप देख सकते हैं कि पूरे 10 कुरान हो गए जो कारी हैं, और फिर हर कुरान के आगे दो दो उनके स्टूडेंट हैं। तो समझ ले 10 + 2 कारी मतलब 30। तो इस पॉइंट पे आके 930 के अंदर 30 कुरान ऑफिशियल किरात के आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कुरान थे, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए टाइमलाइन, ये इब्ने मुजाहिद और फिर अलजजरी ने डिसाइड किया ये 10 किरात है। ठीक है, ठीक है, इन सब को मिला के एक तस्वीर निकलती है 30 कुरानों की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख,
तो ये आसानी से आपको दिखाने के लिए 30 कुरान, ये सारे उसके कारी थे, और ये उनके हर कारी के दो दो रावी। इसी तरह इन लोगों को इब्न मुजाहिद ने 1936 में चूज़ किया, और फिर 1429 में अलजज़री ने इन तीनों को चूज़ किया, और फिर उनके दो दो स्टूडेंट। अभी जो हमारे पास कुरान पाया जाता है, जो सब लोग पढ़ते हैं, वो हफ्स कुरान है, वो इधर है। वो कहाँ से आया? वो आसिम जो था उनका टीचर, उससे हफ्स ने सीखा, और वो इस वक्त हमारा स्टैंडर्ड है। नाउ सवाल ये बनता है कि ये सारे जो कुरान हैं, ये जो किरात हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये किस किस तरह, कहते कि ये हमारे तक किस तरह पहुंची, क्या इनकी कनेक्शन क्या है हजूर के कुरान से? क्या ये वो वाले कुरान है जिसका हजूर की हदीस में जिक्र है कि 7 अहरूफ में थे? नहीं, ये वो वाले कुरान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखाता हूँ क्यों नहीं है ये वो वाले कुरान। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं, ये देखें, ये है आपको समझाने के लिए कि क्यों ये वो वाले कुरान नहीं है। हम लोगों ने लेना है, फॉर एग्जांपल, चले सबसे जो हमारा कॉमन है हफ्स, हफ्स कुरान को लेते हैं। तो ये हफ्स किस तरह हजूर से कनेक्शन है? हजूर की डेथ 638 में हुई, ठीक है ना? ठीक है। नाउ 638 में हजूर ने कहा कि ये जो उनके कंपेनियंस हैं, उनको वो उनके सबसे करीबी थे, उनको सारा कुरान पता था। उनमें से हजूर ने जो कहा था कि जैद इबन ताबित से कुरान सीखो, इबन मसूद से कुरान सीखो, उबै इबन काब से कुरान सीखो, तो ये वो लोग हैं जिनको हजूर ने बोला था कि इनसे मेरा कुरान सीखो, ठीक है? अब इनके पास, हर एक के पास अपना अपना कुरान था, हिफ्स भी था। और सर अब इधर से आप देखो, ये जो बंदा है अबू अब्दुल रहमान अल सुलामी, ये इनका स्टूडेंट था इनका। तो ये सारे कुरान जो हैं इधर से कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली। जैद बिन ताबिक, ये देखें, फर्स्ट जनरेशन हो गया, ये सेकंड जनरेशन हो गया। और फिर इसका जो स्टूडेंट था अबू अब्दुल का, वो था आसिम, ठीक है? वो इसका स्टूडेंट था। अब आसिम जो है, आसिम आसिम का स्टूडेंट, दो कारी थे उसके आगे, शोबा और हफ्स, और हफ्स है जो हम लोग अब पढ़ते हैं। तो ये देखें, इसीलिए ये जो 7 हरूफ थे वो तो यहीं ख़त्म हो गए, क्योंकि उस्मान ने तो बाकी सारे जला दिए थे। तो ये बाकी जो कुरान है, ये वो 7 हरूफ नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट किरात्स हैं हर एक बंदे की। तो अलग अलग कुरान जिन जिन के नाम से, आसान दिखाने के लिए नेक्स्ट स्लाइड आपको इसको दिखा देगी कि क्यों ये कनेक्शन। अब जैसे नेक्स्ट पे चले जाते हैं, ये देखें मोहम्मद की डेथ, ये 0 जनरेशन, मोहम्मद की डेथ, मोहम्मद की डेथ से जनरेशन 1 में जो लोग हैं उनके सहाबा, उबै इब्न काब, उस्मान, ज़ैद इब्न थाबित और अली, ठीक है? इनको ट्रांसमिट किया हजूर ने कुरान। फिर इनसे अबू अब्दुल रहमान अल सुलामी को कुरान ट्रांसमिट हुआ, वो जनरेशन 2 में आते हैं। वो जनरेशन 2 से फिर उन्होंने आगे आसिम को ट्रांसमिट किया, और फिर आसिम से आगे हफ्स में। मसला ये है, ना तो हमारे पास कोई मोहम्मद का कुरान है, ना इन तीनों का कुरान है, ना अबू अब्दुल रहमान अल सुलेमी का कुरान है, और आसिम का कुरान फाइनली जाके 3rd जनरेशन में जाके हमारे पास कोई एक्चुअल लिखा हुआ कुरान आता है किरात वो। और उसकी डेथ देखें 774 में हुई, ठीक है? हजूर की डेथ कब? 634। तो इस बीच में जितने भी कोई भी कुरान है उसका कोई रेफरेंस नहीं है हमारे पास, ठीक है? ये हफ्स का लिनियज है। अगर आप हफ्स से पीछे हट के देखें तो वर्ष, जो दूसरा वाला कुरान है, वो तो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें एक और जनरेशन बीच में आ जाती है, वो फिर फोर्थ, ये देखें हजूर की जनरेशन, फिर उधर के हजूर से उबे इबन काब में ट्रांसफ़र हुआ वह कुरान, फिर
फिर उबे इबन काब से आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है, अबू हुरैरा, इबन अब्बास, अब्दुल्ला बिन आयाश, इनके पास गया। फिर इधर से इनका ये स्टूडेंट था, इनका ये सारा कॉम्प्लिकेटेड लाइनेज देखें। थर्ड जनरेशन में अबू जफ़ार, अबू दाऊद आते हैं। इन सब के किसी के भी हमारे पास कोई कुरान नहीं है। फिर नाफ़ी का कुरान आता है जो हमारे पास है, वो फोर्थ जनरेशन में आता है, और उनकी डेथ 785 में हुई। फिर वहाँ से आगे वर्ष निकलता है उनका स्टूडेंट, और उनकी डेथ 812 में हुई। तो बीच में ये देखें सारा मिसिंग है, ठीक है ना, कोई नहीं है हमारे पास ये, और इधर हमारे पास आता है। तो ये जो सात हरूफ वाला तो इधर ही मिस फिनिश हो गया। इसी तरह जो पहले इनका था हफ्स का, हफ्स हमारे तक पहुंचने के लिए ये बीच के सारे कोई भी नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। आसिम तक आते थर्ड जनरेशन में आके कुरान मिलता है। तो ये शुरू के कोई भी हमारे पास लिखे हुए कोई भी कुरान नहीं है। अच्छा, लेकिन स्टोरी इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आसिम जो है उसके सिर्फ ये दो स्टूडेंट नहीं थे, ये जो दो इसके स्टूडेंट थे, इसका फैसला असल में अगर आप देखा जाए, इसका फैसला इबन मुजाहिद ने किया था। इबन मुजाहिद ने डिसाइड किया था कि आसिम के दो कौन से स्टूडेंट हैं जिसको चूज़ किया जाए, ठीक है, और दो रावी जिसे कहते हैं, और इसने हर एक को दो दो स्टूडेंट चूज़ किया। क्या आसिम के सिर्फ दो ही स्टूडेंट थे? नहीं। मज़े की बात है कि अगर आसिम का देखा जाए, ये है इबन बाजी हफ्स, ये देखें जी आसिफ की, आसिम की हिस्ट्री देखें। आसिम इधर है, उनके ये बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट, अगर आप गौर से देख सकते हैं। उनमें से इबन मुजाहिद ने वर्ष और सुएबा और हफ्स को चूज़ किया ऑफिशियल स्टूडेंट बनाने के, क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा आगे आगे स्टूडेंट थे। लेकिन आसिम के इसके अलावा भी स्टूडेंट थे जिनके अपने अपने कुरान थे, लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं होता क्योंकि वो उनके इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। लेकिन क्योंकि शुएबा और आसिम के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे, मुजद्दद ने उनको चूज़ कर लिया कि भाई इनका कुरान रखो, बाकी का डिसमिस कर दो। ये इबन मुजाहिद, इसने बेसिकली इन सबको डिसमिस करके ना बाकी सब के कुरान इन दोनों को ऑफिशियल चूज़ किया। इसी तरह आसिम और इबन मुजाहिद के बीच में 91 डिफरेंट के रावी थे, लेकिन उन 91 में से सिर्फ दो को चूज़ किया। अगर आप दूसरे का कुरान देखें, ये है इबन कथीर का कुरान। इबन कथीर यहाँ है, ये उनके बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन उनमें से इबन मुजाहिद ने, ये इबन कथीर है, ये इबन मुजाहिद है, ठीक है। इन सारे बाकी कारियों को छोड़ के उसने अलबाजी और कुंबल, ये दो कारी को एक्सेप्ट किया कि इनके कुरान ऑफिशियल हैं, बाकी सब को डिसमिस कर दिया, जबकि इन सब के अपने अपने कुरान भी थे। इसी तरह अगर आप इनको देख लें, ये है हफ्स और शोएबा, इसकी बात की थी, इबन कथीर का कुरान, और ये रहा बेसिकली दूरी, अल-दूरी भी बहुत फेमस है, ये अबू अमर का कुरान था। इधर उसके जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे डिफरेंट कारीज, उनमें से दो कारी को चूज़ किया इबन मुजाहिद ने, ठीक है, अल-दूरी और अल-सूसी, इन दोनों के कुरान अभी पाए जाते हैं, बाकी सबके नहीं, ठीक है। तो ये आपको बता रहे हैं कि बहुत से डिफरेंट 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 कुरान थे उस ज़माने में, लेकिन मुजाहिद ने सिर्फ दो को चूज़ किया, एक्सेप्ट किया। तो ये देखें ना, इसलिए अब देखें कंक्लूजन क्या निकलता है। इब्ने कथीर और इब्ने मुजाहिद के बीच में 59 डिफरेंट रावीस थे, 59 अलग अलग कुरान, उनमें से सिर्फ उसने दो को बोला कि ये ऑफिशियल है। इसी से नाफी जो मदीना से था, ठीक है, और इब्ने मुजाहिद के बीच में 63 डिफरेंट कुरान्स थे, डिफरेंट रावी, डिफरेंट किरात्स, और उसने सिर्फ दो को चूज़ किया। अबू अमर और इबन मुजाहिद के बीच में 65 डिफरेंट रावी थे, और आसिम, ठीक है ना, ये और बस आसिम और इबन मुजाहिद के बीच में 91 डिफरेंट रावीज हैं अलग अलग कुरान, लेकिन उसने सिर्फ दो को चूज़ किया। ये इसीलिए तो वो जब गौर से देखा जाए, जो वो कहता था होल्स इन द नैरेटिव, वो इसीलिए है कि देखें ये जो हमें बोला जाता है एक ही कुरान है, बस सारी कुरान एक जैसे हैं, ये स्टोरी मेक सेंस नहीं करती। और मज़े की बात, जो डायलेक्ट
जो हजूर का डायलॉग था कुरैश, जो उस्मान बेसिकली उस्मान ने बेसिकली कुरैशी डायलॉग में लिख के आगे भेजा था, वो तो इधर ही रह गया ना मक्का, ठीक है, और वो तो मदीना में, मक्का और मदीना में ही रह गया। ये वाला अबू अमर का जो कुरान है ये तो बसरा के डायलेक्ट में लिखा हुआ है, और ये जो आसिम का कुरान है वो कूफा के डायलेक्ट में लिखा हुआ है। ये वाले डायलेक्ट तो ख़त्म हो गए थे उस्मान के ज़माने में, जला दिए गए थे, तो ये दोबारा से यहाँ कहाँ से आ गया? और अगर कूफा का डायलेक्ट है तो वो हफ्स के कुरान में इस वक्त हम लोग कूफा का डायलॉग पढ़ रहे हैं, हिजाज का जो कुरैश का डायलॉग वो पढ़ ही नहीं रहे, तो ये मेक सेंस नहीं करता। देखो टोटल 4 रावी के बीच में 278 डिफरेंट किरात्स हैं, एवरेज ऑफ 4 इज इक्वल टू 70, तो अगर 10 किरात को अगर एवरेज भी लगा के देखा जाए तो कम से कम 700 अलग अलग कुरान नज़र आते हैं उस ज़माने में, ठीक है ना। और ये इस्लामिक सोर्सेज से सारी चीज़ें ली गई हैं, तो तभी बड़ा अजीब लगता है जब कोई कहता है बस एक ही कुरान है, बस हमारे पास एक, 700 अलग अलग कुरान उस ज़माने में फिर रहे थे जगह जगह में, ठीक है। ये देखें, और ये भी नहीं कि वो जो हफ्स उनका एक स्टूडेंट था जिसके कुरानों में लोग पढ़ते हैं, हफ्स की भी 7 अलग अलग किस्में हैं, ये अलग अलग हफ्स के वर्जनस हैं। तो जितना और देखा जाए उतना बात कॉम्प्लिकेटेड बनती है। ये हफ्स है, चार ये सातों के सातों कुरान हफ्स की कुरान है, ठीक है। तो अब कंपैरिजन अरबिक टेक्स्ट और हफ्स के बीच में, जब अब देखें अरबिक हफ्स और वर्श जो 2 वर्जन्स हैं कुरान के, 2 किरात हैं, उनके बीच में अगर आप कंपेयर करो कि कोई फ़र्क है या नहीं, तो आपको पता चले ये 2 रिवायत हैं, इनके बीच में 120 कॉन्स्टिनेंटल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और 5,000 शॉर्ट वॉल्व और मतलब 120 लफ्ज, लफ्ज नहीं जो अल्फ़ाबेट्स है, जब अलिफ बा ता सा, 120 का उनमें फ़र्क है, और 5,000 शॉर्ट वॉल्व एंड डायक्रिटिक मतलब 5,000 नुक्ते ज़बर ज़ेर पेश का फ़र्क है। तो ये कोई छोटे मोटे फ़र्क नहीं है, काफ़ी सारे फ़र्क हैं एक हफ्स में और एक वर्ष में। तो ये जो जब जब मुसलमान मान लेते हैं कि हाँ हाँ अलग अलग किरात है, लेकिन भाई एक किरात और दूसरी किरात में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस एक दो नुक्ता ज़बर ज़ेर का फ़र्क है, नहीं सॉरी, इतने सारे फ़र्क हैं सिर्फ ये हफ्स और वर्ष के बीच में, इतने सारे हैं, सोचो बाकी कितने किरात में कितने फ़र्क हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये समझ आ गई। अब ये वाले जो डिफरेंसेस हैं इनके मैं आपको थोड़े थोड़े एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, ईच कॉन्स्टिनेंटल के, डायक्रिटिकल मार्क के जो जो फ़र्क हैं उसके, तो थोड़े बहुत एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए और आपके पास ये प्रूफ भी आ जाए कि नहीं, छोटी सी छोटे मोटे फ़र्क नहीं है, इनके चेंज होने से अल्फाज के मतलब बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आप ये देखें, अच्छा ये वैसे एक स्लाइड है जो दिखा रहे हैं कि देखें इतने सारे कुरानों में से हफ्स जो है वो कुरैशी डायलेक्ट का कुरान नहीं था, ये थोड़े से ये हैं कुरैशी डायलेक्ट जो येलो में है, बाकी जो ग्रीन में है वो कुरैशी डायलेक्ट में नहीं है, और ये हफ्स जो है कूफा के डायलेक्ट में है, ठीक है ना। ये तो समझ आ गई। इस अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये बेसिकली आपको स्लाइड दिखा रही है कि फ़र्क जो है वर्ष के कुरान में और हफ्स के कुरान में, लफ्ज़ चीज़ों हरकत के चेंज होने से लफ्ज़ों के मतलब चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ देखें लिखा हुआ है युकज़्ज़िबूना वर्ष में, और हफ्स में लिखा हुआ है यक्ज़िबूना, ठीक है, युकज़्ज़िबूना और युकज़्ज़िबूना और यक्ज़िबूना, थोड़ा सा फ़र्क है, लफ्ज़ दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन देखें उसके चेंज होने से फ़र्क क्या पड़ा, एक कहता है कि वो झूठ बोलते हैं और दूसरे में लिखा है वो दूसरों को बोलते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो लफ्ज़ों के मतलब बदल जाते हैं। तो इनमें से सही कौन सा है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ठीक है ना। किरात में थोड़े से फ़र्क आने से मतलब बदल जाते हैं। आप ये मैं स्लाइड को पॉज करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो जल्दी जल्दी थोड़े बहुत आपको फ़र्क मैं दिखा देता हूँ, बाद में ये स्लाइड को आप रोक के आप खुद ही देख लीजिएगा कि फ़र्क क्या है, ठीक है। नेक्स्ट फर्क पे देखें, अब ये देखें हफ्स और वर्ष में, इधर लिखा हुआ है मसाकीना और इधर लिखा हुआ है मिसकीना। अब इसमें क्या फ़र्क है, हफ्स कहता है
कि अगर कोई मसला हुआ तो एक अच्छा वो रोज़ा निकल जाए तो आपको एक मस्कीन को खाना खिलाना है, और जो वर्ष कह रहा है मसाकीन बहुत सारे गरीबों को खाना खिलाना है। अब इससे इस छोटे सी चीज़ के फ़र्क से क्या हो गया कि अकीदे में फ़र्क पड़ गया कि अगर आपसे रोज़ा निकल गया तो आप क्या एक रोज़ा रखो, एक बंदे को खाना खिलाओगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा, या आप बहुत सारे और लोगों को मसाकीन प्लूरल मैनी पुअर पीपल को खाना खिलाओगे तो उस आपका रोज़े का कफ़ारा होगा। तो इससे अकीदे में फ़र्क आ गया, ठीक है, थोड़े से लफ्ज़ों से। तो जो किरात में छोटे छोटे फ़र्क आ रहे हैं उससे कई चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है, ठीक है। आप ये पॉज करके देख सकते हैं। इसी तरह ये देखें वर्ष के अंदर क्या लिखा हुआ है, तालमूना, और हफ्स में लिखा हुआ है तो अल्लमूना। ये तो अल्लमूना, तो एक में वो कह रहा है कि तुम उन्हें सिखाते हो और दूसरे में लिखा है तुम्हें मालूम है। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, और वो फिर डिटेल में फ़र्क आ जाता है दोनों के बीच में, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी दोबारा से हफ्स और वर्ष के अंदर मैं आपको जल्दी जल्दी फ़र्क दिखा रहा हूँ। अब इसके अंदर देखें तो नहीं, ये कौन सा वाला है, अब ये देखें हफ्स और वर्ष के अंदर जो है, एक वर्ष में कह रहा है तबगूना तुरजऊना, ठीक है वर्ष में, और हफ्स में दिखा रहा है यबगूना और युबजूना। दोनों में नुक्ते का फ़र्क है, नुक्ते से एक ता बन गया और एक या बन गया, लेकिन इससे फ़र्क क्या होता है, एक कहता है दे सीक एंड दे रिटर्न, वो ढूंढते थे और वो रिटर्न किए जाएंगे, और दूसरा कह रहा है तुम सीक करते थे और तुम वापस किए जाओगे। तो एक दे है और एक तुम हो, तो दोनों में फ़र्क आ जाता है मैस्कुलिन सिंगुलर और ये वो ग्रामर का और काफ़ी सारा। तो आप पॉज करके देख सकते हैं, एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। कलमातु कलीमातु, ठीक है ना, डागर अलिफ जो है वो उससे एक और सिंगल और प्लूरल का फर्क पड़ जाता है, वाहिद और जमा का। या एक लफ्ज़ के बारे में बात हो रही है, इधर बहुत सारे लफ्ज़ों के बारे में बात करी। मैं ये स्लाइड्स आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ, आप पॉज करके इसको खुद ही पढ़ सकते हैं कि क्या क्या फ़र्क है, ठीक है ना। ये देखें एक और फ़र्क, हफ्स और ये हफ्स अल्लैत इबन खालिद का कुरान है, उनके दोनों के बीच में ये फ़र्क है। एक एक आपको कह रहा है नसरा और एक कह रहा है बुशरा, एक नसरा एक बुशरा, और दोनों के मतलब अलग अलग हैं। ये देखें एक और फ़र्क, ठीक है ना, खुद ही आप पढ़ लें, ये मैं जल्दी जल्दी आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं। ये अच्छा ये वाला है वो दुलकरनैन की कहानी में, एक एक कुरान कह रहा है कि वो गंदा गंदे लाइक धुंधले पानी में गया, और दूसरे वाले में वो बता रहा है कि वो गर्म पानी में गया, पानी गर्म था या धुंधला था, दोनों में फ़र्क आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन मतलब का फ़र्क आ जाता है। अगर अल्लाह के पास एक ही कुरान है और सारों के पास एक कुरान है, तो एक में कोई और दूसरे में कोई और चीज़ क्यों लिखी हुई है। ये देखें ये हफ्स और खलफ के बीच में फ़र्क, तो हर बहुत सारे कुरानों में दूसरे कुरानों से फ़र्क है। ये देखें एक और फ़र्क, हफ्स और वर्ष के बीच में फ़र्क, ये देखें हफ्स और अलबाजी के कुरान के बीच में फ़र्क। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सैम्पल्स हैं फ़र्कों के जो डिफरेंट किरात में। तो जब मुसलमान कहते हैं नहीं उसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है, बस ज़बर ज़ेर, भाई ज़बर ज़ेर से पूरा लफ्ज़ ही बदल जाता है अरबी में, अगर एक नुक्ता ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो तो उस लफ्ज़ का मतलब बदल जाता है, ठीक है। ये देखें एग्जाम्पल के बाद एग्जाम्पल, तो आप देख सकते हैं कि हफ्स और कुरानों में कितने सारे फ़र्क थे। नाउ क्वेश्चन ये होता है कि ये हफ्स हफ्स का मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ये किस तरह हमारे पास हफ्स ऑफिशियल कैसे बन गया। तो हफ्स कैसे ऑफिशियल बना है वो इस तरह बेसिकली, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो ये बहुत सारे किरात सारे मुस्लिम वर्ल्ड में इस्तेमाल हो रही थी। तो 1924 में कायरो के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है उनका, उधर अल अज़हर यूनिवर्सिटी थी जहाँ बहुत सारे लोग आके ना एजुकेट करते थे इस्लाम में, उनके साथ मसला क्या होने लग गया कि वो जब टेस्ट देते थे अपने स्टूडेंट्स को तो
स्टूडेंट्स कोई कोई दूसरे मुल्कों से आए होते थे, दूसरे इलाकों से, तो जब टेस्ट के आंसर देते थे तो कोई बंदा वर्ष के बेस के ऊपर आंसर देता था, कोई दूरी के बेस के ऊपर, कोई हफ्स के बेस के ऊपर, तो टेस्ट में बड़ा प्रॉब्लम होने लग गया। तो उन्होंने अल अज़हर यूनिवर्सिटी में का जो डिपार्टमेंट का हेड था मोहम्मद अल अल हुसैनी अल हद्दाद, उससे बोला यार ये मसला बड़ा हो रहा है एग्ज़ाम्स का, हमें स्टैंडर्डाइज करना है, ये बाकी सारे 30 कुरान में से एक कुरान चूज़ करो जिसको हम लोग अपना ऑफिशियल कुरान बना के कम से कम अल अज़हर यूनिवर्सिटी में वो ऑफिशियल बना देंगे, और फिर बाकी सारे स्टूडेंट को उसी टेस्ट के, उसी कुरान के मुताबिक टेस्ट देना पड़ेगा, तो इस तरह स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो इस बंदे ने, अल हुसैन अल हदाद ने 30 में से कौन सा कुरान चूज़ किया? अल हफ्स का। अल हफ्स को इसने क्यों चूज़ किया? ये नहीं क्योंकि अल हफ्स बहुत ज़बरदस्त था ये वो, इसलिए क्योंकि उस ज़माने में सबसे पावरफुल मुसलमान जो गवर्नमेंट थी वो ऑटोमन एम्पायर थी, और ऑटोमन एम्पायर में हफ्स जो था सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, तो उसने बेसिकली उसके बेस के ऊपर हफ्स चूज़ किया और उसको स्टैंडर्ड बना दिया। अब जब उसने हफ्स को स्टैंडर्ड बनाया तो क्या हुआ, तो टेस्ट देने में आसान हो गए, सब बच्चों को बोल दिया भाई हफ्स के मुताबिक तुम लोगों का एग्ज़ाम होगा, तो वो एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम हो गया। ये सिस्टम इतना, ये उस वक्त सिर्फ कायरों में किया गया था, अब ये सिस्टम इतना अच्छा सेटअप हो गया कि उन्होंने बाकी सारे जो स्कूल के बाकी के कुरान थे, 29 डिफरेंट वेरियंट, जो 29 अलग अलग किरात थे, उन सबको पकड़ के जाके दरिया में डुबा दिए, नायल रिवर में फेंक दिया। लेकिन अभी भी वो बाकी के उससे किरात सारी ज़ाया नहीं गई, क्योंकि अभी भी आप किरात खरीद सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम इतना अच्छा हो गया कि 10-12 साल के बाद, आई थिंक 1936 के अंदर, कायरो से के बजाय पूरे इजिप्ट में हफ्स कुरान स्टैंडर्ड बना दिया गया। अब ये सिस्टम इतना अच्छा चलने लग गया कि सऊदिया जो मेन सेंटर था इस्लाम का, उसकी गवर्नमेंट ने देखा यार ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, और फिर उन्होंने 1985 में, 35 साल पहले, ये वाला सिस्टम खुद भी अडॉप्ट कर लिया, और उन्होंने अपने आप को हफ्स जो कि वो उधर क्योंकि इतना अच्छे तरीके से काम करने लग गया, तो उन्होंने बोला चलो हफ्स को ही हम लोग अपना स्टैंडर्ड कुरान बना देते हैं, और फिर सऊदी गवर्नमेंट ने 1985 में हफ्स को स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड सिर्फ 1985 में बनाया, और उसका नाम रखा फहद एडिशन। क्यों? क्योंकि किंग फहद 1982 में पावर में आया था और उसने इसको इंडोर्स किया था, और उसके बाद से ये वाला जो हफ्स कुरान है फहद एडिशन कहलाता है, और वो फिर उसके बाद से कैननाइज हो गया। तो ये जो हफ्स एडिशन जो पूरी दुनिया में कहा जाता है एक ही कुरान है, एक ही कुरान है, ये सिर्फ 1985, सिर्फ 35 साल, मैं इससे भी ज़्यादा ओल्डर हूँ इस कुरान से, इस वक्त फाइनलाइज किया गया था। उससे पहले बहुत सारे डिफरेंट कुरान डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आराम से पढ़े जाते थे। तो ये है बेसिकली हफ्स का, हफ्स की स्टोरी। लेकिन क्या हफ्स वाकई सबसे बेस्ट चॉइस थी या नहीं? अब जैसे कि आपको पता है कि हदीसों में सही और ज़हीफ़ हदीसें होती हैं, तो सही हदीस या सही नरेशन किस तरह पता चलती है कि उनकी चेन देखी जाती है कि वो चेन सही है, और चेन में ये देखा जाता है कि जो बंदा चेन में है उसकी रेपिटेशन कैसी है, वो सही बंदा था या नहीं, और अगर वो सही बंदा है वो कैसे पता चलता है, उसकी बायोग्राफी से, उसके जो पीयर्स थे उस ज़माने के जो लोग थे उसके बारे में क्या कहते थे, उससे पता चलता है ये बंदा ठीक था, अच्छा था, ये ऑनेस्ट था, झूठ नहीं बोलता था, इसकी याददाश्त कैसी थी। तो ये वाली बातें कौन बताते थे? उसके जो आसपास के जो आलिम थे और स्कॉलर्स थे वो उसके बारे में टेस्टिफाई करते थे कि हाँ ये वाकियत है। तो अब ये देखते हैं कि जो हफ्स है वो उसके बारे में, उसके आसपास के जो स्कॉलर्स थे उस ज़माने के जब वो हफ्स जिंदा था उसके बारे में उसका क्या ओपिनियन था। तो हफ्स के बारे में ये है, उनके हफ्स की डेट ऑफ बर्थ 708 से 796 तक उसकी ज़िंदगी थी ना हफ्स की, तो उसके दौरान जब वो अपना काम किया था तो लोगों ने उसके बारे में क्या बोला? हफ्स ने अपने बारे में कहा कि मैंने अपने टीचर आसिम की रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं किया सिवाय एक लफ्ज़ के।
तो ये सवाल पैदा होता है, अगर ये खुद ही कह रहा है कि भाई मैंने अपनी टीचर के वर्जन से और अपने वर्जन में कोई फ़र्क नहीं किया सिवाय एक लफ्ज़ के, तो उसको अपना पूरा कुरान बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। तो असलियत ये है कि नहीं, एक लफ्ज़ नहीं है फ़र्क, काफ़ी सारी चीज़ें फ़र्क है उसके आसिम के कुरान से और इसके अपने कुरान से। तो ये की अपनी बात गलत निकल रही है। हफ्स ये अल्दाबी कहता है, हफ्स वॉज रिलायबल इन हिज रीडिंग, वो कहता है उसकी रीडिंग में सही था लेकिन उसकी ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशन इतनी खास नहीं थी। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशन किसे कहते हैं? हदीस। तो कहता है कि हफ्स रीडिंग में अपना सही था लेकिन जो हदीस थी उसकी ज़रा ठीक नहीं थी। इबन अबी हातिब कह रहा है हफ्स ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशन वॉज रिजेक्टेड। हफ्स की जो हदीस की सनद है, जो जो हफ्स से जितनी भी हदीसें हैं वो रिजेक्ट कर दी गई थी। उत्मान अल दरीमी एंड अदर से ही वॉज नॉट रिलायबल, वो ट्रस्टवर्दी नहीं था, उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता था। इबन अल मदनी कहता है हफ्स वॉज वीक इन ट्रेडिशन एंड इंटेंशनली अवर्ड, कहता है कि हफ्स हदीस के मामले में कमज़ोर था तो मैं जानबूझ के उसकी मैं हदीसें नहीं लेता था और आगे नहीं बढ़ाता था। अल बुखारी कहता है ही वॉज रिजेक्टेड बाई कंपाइलर्स ऑफ डिक्शनरी, तो जो कंपाइल करते थे बायोग्राफिकल डिक्शनरी उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया इस बंदे को। और अल नासरी कहता है आई कंसिडर हिम अनट्रस्टवर्दी एंड द ट्रेडिशन ही ट्रांसमिटेड वर नॉट, तो कहता है मैं इसको भरोसे वाला बंदा नहीं समझता था और इसने जितनी भी हदीस आगे और ट्रांसमिट की है उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अब ये ज़्यादातर इसकी हदीस के बारे में कहा जाता है, लेकिन बात वही है ना कि अगर वो हदीस सही तरह ट्रांसमिट नहीं कर सकता तो कुरान कैसे ट्रांसमिट करेगा। अगर मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक चीज़ में उसकी मेमोरी सही है और दूसरी चीज़ में मेमोरी सही नहीं है। अगर उसकी मेमोरी या उसकी ट्रांसमिशन सही नहीं है तो फिर सही नहीं है, सिंपल, दोनों में अफेक्ट होता है। और क्या है इसके बारे में? ठीक है, और इनके बारे में अल तरकुतनी कहता है आई डिक्लेयर वीक, मतलब इसकी ट्रांसमिशन बड़ी कमज़ोर थी। अलसाजी कहते हैं हफ्स इज़ वन ऑफ दोज ट्रेडिशन हैज हुज ट्रेडिशन हैज डिसअपीयर्ड, व्हाट ही ट्रांसमिटेड कंटेन्ड ऑब्जेक्शनेबल ट्रेडिशन। वो कह रहे हैं कि इसने जितनी भी इंफॉर्मेशन आगे भेजी है उसमें प्रॉब्लम्स है, उसमें तनकीद की जा सकती है। साले मोहम्मद कहता है इस ट्रेडिशन वर नॉट रिकॉर्डेड एंड ऑल ऑफ देम वर ऑब्जेक्ट, ये तो बिल्कुल ही साफ कहता है कि उसने जितनी भी चीज़ ट्रांसमिट की है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की और सारी चीज़ों में मसला था। इब्न कशर कहता है हफ्स वॉज अ लायर एंड ही वॉज रिजेक्टेड फॉर फैब्रिकेटिंग ट्रेडिशन, कहता है हफ्स झूठा बंदा था, उसने अपनी मनगढ़ंत हदीसें और चीज़ें बनाई हुई थी। और इब्न हयान कहता है ही यूज टू चेंज द चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड इवन फैब्रिकेटेड चेन्स फ्रॉम दोज ट्रेडिशन दैट डिड नॉट हैव वन। ओह, ये तो कहता है कि ये बंदा हफ्स हदीस की ट्रांसमिशन की लाइनें बदल देता था और अपनी तरफ से लोगों का नाम बीच में डालता था जिनके नाम नहीं थे। तो सारे बाकी के ये जितने भी लोग हैं इन्होंने इस हफ्स को रिलायबल नहीं समझा, लेकिन फिर भी इतनी सारी ऑब्जेक्शन होने के बावजूद उस इस हफ्स की रीडिंग को सेलेक्ट किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उस्मान आई मीन सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑटोमन का जब एम्पायर था उस वक्त हफ्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, तो वो पॉपुलरिटी के बेस के ऊपर इसको सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये है बेसिकली। और हम लोग फिर इनके हफ्स के बारे में क्या समझ सकते हैं? अनरिलायबल था, वीक था, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, झूठ बोलता था और इसके जो मटेरियल था उसमें तनकीद करने वाली चीज़ें थी, ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें थी, और इसकी जो ट्रांसमिशन थी वो उसके आसपास उसके स्कॉलर्स ने अवॉइड करते थे इसको, ठीक है ना? तो ये हफ्स की ट्रांसमिशन है। तो फिर आखिर पॉइंट हफ्स के बारे में ये कह सकते हैं हम लोग कि अब्द अल रहमान अल मोदी डिक्लेयर करता है आई सॉलमली डिक्लेयर दैट इट इज़ नॉट परमिसेबल टू ट्रांसमिट ट्रेडिशंस ऑन हिज हफ्स अथॉरिटी। तो ये बंदा कहता है मैं कसम खाता हूँ कि हफ्स की कोई भी हदीस ट्रांसमिट नहीं कर सकते क्योंकि ये बंदा सही नहीं था। इतने सारे, तो इससे ऐसा लगता है कि इसके आसपास के जो लोग थे और इसके जो अपने लेवल के स्कॉलर थे इसको पसंद नहीं करते थे। ओके, सो इन कंक्लूजन एंड में बेसिकली अब मैं ख़त्म करूँगा इसको कंक्लूजन के साथ।
जब भी आपकी बात किसी मुसलमान से हो और वो आपको ये कहे कि एक ही कुरान है और वो कुरान कभी बदला नहीं है वैसे के वैसे है, तो उससे बेसिकली आप ये सवाल पूछें अगले जो कंक्लूजन में सवाल है, और उनसे पूछें कि इसके क्या आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। पहला सवाल, मुसलमान जितने भी है वो यही कहते हैं कि सूरह 10:15:59 और 18:27 की वजह से जो कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने वादा किया है वो इस कुरान को हिफाजत में रखेगा। तो क्या वाकई कुरान हिफाजत में रहा है, क्या उसमें कोई तब्दीली नहीं आई? फिर आप उनसे पूछें क्या कहते हैं जो मौलवी हैं, जो कई लोग हैं जो स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं कई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाई यासिक आदी और इन लोगों की, कहते हैं नहीं कुरान में कुछ तब्दीली नहीं आई, एक वर्ड बाय वर्ड लेटर बाय लेटर वैसे का वैसे है। अब वो ये वाला जो क्लेम है और बाकी की हिस्ट्री को देखो तो ये वाला क्लेम जो है ना बड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो आप ये देखो कि ये सारी चीज़ें दिखाने के बावजूद फिर भी ये लोग यही कह रहे हैं कि एक भी लफ्ज़ नहीं बदला, एक भी लेटर नहीं बदला, और उसकी वजह से मसला खड़ा हो रहा है। अब किस चीज़ को माना जाए, जो फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं या जो उनका क्लेम है कि कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला जो सबको बताया जाता है। और जहाँ तक आपने देखा है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही बस कुरान हुआ है 7वीं सदी से, ये बहुत सारे 7वीं सदी के बाद इतने सारे कुरान मैंने आपको दिखाए और डिफरेंट, वो सारे अरबिक कुरान हैं। और मज़े की बात, उस ज़माने की अरबिक, उनसे पूछे कि भाई देखें अगर वाकई एक ही ये अरबिक में कुरान आना था तो उस ज़माने में क्यों आया जिस वक्त अरबी कंप्लीट नहीं हुई थी, अरबी का ग्रामर उस वक्त फिनिश नहीं हुआ था जब कुरान आया था, तो उस ज़माने में कुरान का अरबिक में आने का क्या फ़ायदा हुआ जबकि इतनी सारी कन्फ्यूजन अरबिक की वजह से खड़ी हो गई, डिफरेंट डायलैक्ट्स, डिफरेंट किराअत और ये वो। दूसरी बात यह है कि कई मुसलमान कहते हैं नहीं ये सारे जो डायलैक्ट हैं 7 डायलैक्ट ये 7 आरूफ ही हैं जो हजूर को आए थे मक्का मदीना के अंदर, जब मक्का में वो जब उनके जिब्राइल ने ये 7 डायलैक्ट, तो उनसे ये पूछे कि अगर ये 7 तलफ़ुज़ और डायलैक्ट हैं तो वो हजूर को कैसे 7 डायलैक्ट सिखा दिए जबकि वो तो मक्का में रहते थे, उन वो तो कभी कूफा गए नहीं, कभी बासरा गए नहीं, कभी शाम गए नहीं, उधर के डायलैक्ट उन्होंने कैसे सीख लिए? और अगर गए भी तो तिजारत के लिए तो इतना उनके पास टाइम था कि उधर का पूरा डायलैक्ट उन्होंने सीख लिया एक ही दफ़ा चक्कर लगाने से। फिर आप उनसे पूछ सके कि भाई ये जो है, ये जो हमारे पास कुरान है वो क्या कुरैशी डायलैक्ट में है? क्योंकि याद है उस्मान ने तो सिर्फ कुरैशी कुरान एंड में उस्मानी कुरान बनाया था ना, और बाकी सारी कुरान जला दिए थे, तो वो जो कुरैशी कुरान है वो किधर है? वो हमारे पास होना चाहिए ना। तो ये वाला जो हम हफ्स कुरान हमारे पास है वो क्या कुरैशी कुरान है? आप उनसे ये भी पूछें कि अच्छा भाई जो उस्मान ने वो अपना उस्मानी कुरान बना के 5 सूबों को भेजा था, मक्का मदीना बासरा कूफा और डमास्कस, वो सारे कुरैशी कुरान थे, ठीक है ना। कहाँ है वो सारे कुरान? चलो एक गुम गया, दूसरा गुम गया, पांचों के पांचों ही कुरान गुम गए। कहाँ है वो ओरिजिनल कुरान जो उस्मानी कुरान थे? उनके अलावा जो उबै बिन काब का अपना कुरान उसने लिखा था, इबन मसूद ने अपना लिखा था, इबन मूसा ने अपना लिखा था, उनके जो मैनुअल स्क्रिप्ट हैं वो कहाँ हैं? वो भी सारे गए, कोई भी नहीं हमें मिलते, ठीक है ना। ये आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये कहाँ है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जितनी भी अब वेरिएशन आपको मिलती है वो 936 और 1429 के बीच में सेलेक्ट हुई हुई है, ये आपको मैंने पूरा, मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो ये 300 से 800 साल बाद हजूर की वफात के बाद ये सारी किरातों का डिसाइड हुआ। 7 जो किरात हैं वो वाली किरात नहीं हो सकती जिसका हदीस में जिक्र है, जो 7 आरूफ हजूर के जिब्राइल ने हजूर को दिया था। क्यों? क्योंकि जो 7 आरूफ थे वो तो कुरैश के ज़माने के अंदर ही, उस्मान के ज़माने में ही जला दिए गए थे सिवाय कुरैश कुरैशी डायलैक्ट के, बाकी सारे हरूफ बाकी सारे किरात जला दिए गए थे। तो ये तो फिर उसके बाद 8वीं सदी में कहाँ से आ गए दोबारा से ये सारे किरात और वही वाले हरूफ कहाँ से आ गए? मेक सेंस नहीं करता। स्पेशली कि अगर जब उसने अपना कुरैशी कुरान इराक भेजा और सीरिया भेजा तो उधर जितने भी कुरान थे वो जला दिए गए थे, तो अगर जला दिए गए तो फिर 8वीं सदी में दोबारा से ये डिफरेंट डिफरेंट डायलैक्ट कहाँ से आने शुरू हो गए? और अगर 8 ही कुरान थे या मतलब 8 किरात में थे तो ये
30 अलग अलग किस्म की किरातें कहाँ से आ गई, ठीक है ना। ये सारे सवाल आपको उनसे पूछने चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि बस एक ही कुरान रहा है। अब इस वक्त भी आप 30 से ज़्यादा कुरान अभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, और उस ज़माने में 7वीं और 8वीं सदी में तो कम से कम लाइक 700 तक कुरान हो सकते हैं पॉसिबल, जितने सारे लोगों ने लिखे और जिनकी सारी हिस्ट्री हमें मिलती है कि इन लोगों ने लिखे थे, लेकिन वो कुरान हमारे पास नहीं है बाकी के इतने सारे कुरान। और मज़े की बात तो ये देखना चाहिए कि किरात कौन सी उसने जो इब्ने मुजहद ने चूज़ किया था वो किस बेस पे किया था। उसने ये देखा था कि कौन सा कुरान सबसे ज़्यादा मैच करता है हजूर के कुरान से या उस्मान के कुरान से, या उसने इसलिए किया था कि कौन सा कारी के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन था, या वो किस इलाके में रहता था, इलाके के बेस पे और उसकी पॉपुलैरिटी के बेस पे उसकी उस किरात को एक्सेप्ट किया गया था। और मज़े की और तो जो रावी थे और उनके जो कारी थे दोनों के कुरान उन दो सिमिलर होने चाहिए, तो ये क्या बात है कि रावी का कोई और कुरान है और कारी का कोई और कुरान है, ये कैसे हो सकता है, यू नो। तो ये सारे सवाल आप उनसे पूछें, क्या कहते हैं, अब इन इस कुरान के ऊपर जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेक्सचुअल क्रिटिकल एनालिसिस, के उस कुरान को आप कंपेयर करें ओरिजिनल कुरान के साथ, और हमारे पास मसला है कि ओरिजिनल कुरान ही नहीं है, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो कि ये सही भी है कि नहीं, सिर्फ जो जबानी याद है बस उसी से जा रहे हो। तो ये बहुत सारे सवाल इस तरह हैं जिसके जवाब चाहिए। हफ्स को क्या कहते हैं, अच्छा हफ्स का जो कुरान सेलेक्ट किया गया है वो इब्ने मुजाहिद ने सेलेक्ट ही नहीं किया, इब्ने मुजाहिद के जो ओरिजिनल 7 कारी थे 7 किरात थी उसमें हफ्स का वर्जन ही नहीं है, ठीक है। उसने जब सेलेक्ट किए थे वो 7 कारी, उसने कहा था ये सबसे बेस्ट कारी हैं और हफ्स उसमें है ही नहीं, और फिर बाद में जो दोबारा बाद में 3 और जो सेलेक्ट किए थे उसमें से भी हफ्स नहीं है। तो ये क्या चक्कर है कि पहले जो 10 कारी सेलेक्ट किए थे उसमें से ये है ही नहीं हफ्स, ये आगे चल के उनके स्टूडेंटों में से है, ओके ना। और वो हफ्स के बारे में आपने देख लिया उनके आसपास के लोग उसके बारे में क्या कहते थे, अनरिलायबल है, वीक है, उसके उस पर भरोसा नहीं कर सकते, उसकी याददाश्त सही नहीं है, उसने ट्रांसमिशन सही नहीं किया, वो झूठ बोलता था, ये सारी चीज़ें उसके बारे में कही गई हैं। तो ये सारी चीज़ें कहने के बावजूद फिर भी उसी के कुरान को क्यों चूज़ किया, कोई बेहतर कुरान चूज़ कर लेते। तो अब और एंड में आके आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये क्या बात है कि सऊदीया ने जब सेलेक्ट करने की टाइम आया कि पूरी दुनिया के लिए कौन सा कुरान होना चाहिए, तो उन्होंने वो वाला कुरान क्यों नहीं सेलेक्ट किया जो सऊदीया में पढ़ा जाता था, कुरैशी डायलेक्ट होना चाहिए था, राइट, हिजाज का डायलेक्ट। तो उन्होंने कूफा का डायलेक्ट क्यों चूज़ किया जो हफ्स है, मेक सेंस नहीं करता, उसको इराकी डायलेक्ट क्यों चूज़ किया, कुरैशी डायलेक्ट करना चाहिए था, है ना। ये बहुत सारे सवाल हैं, मैं अब ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा, लेकिन यू नो लास्ट कंक्लूजन ये लेते हैं कि कुरान हो सकता है खुदा की तरफ से ना आया हो, लोगों ने लिखा है, हो सकता है मोहम्मद को उस वक्त ना दिया हो, बाद में बनाया है, ये बहुत सारे सवाल है। उस्मानी कुरान जो कहा जाता है कि उसने 5 कुरान लिखे और भेजे, उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता, नहीं मिलते कहाँ है वो ओरिजिनल कुरान, क्या ये कहानी बाद में लिखी गई है, ये कहानी बाद में बनाई गई है, ठीक है ना। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें हजूर की वफ़ात के 100, 150, 200 साल के बाद ये मिलती हैं, उन लोगों ने लिखी हैं, उनके ज़माने में किसी ने नहीं लिखी कि क्या वाक़ हुआ था। और अब फाइनल में जो कुरान हमारे पास हफ्स है जिसको सब पूरी दुनिया मानती है, वो सिर्फ 35 साल पुराना है, 35 साल पहले उसको ऑफिशियल बनाया गया है। इतने 100 सालों से कुरान पढ़े जा रहे हैं और अभी सिर्फ 35 साल पहले उसको ऑफिशियल बनाया गया है। तो ये बहुत मसले वाली बातें हैं और इसीलिए ये वाले सवाल मैं उठा रहा हूँ। तो एट द फाइनल प्लीज़ अपने इमामों से, मौलवियों से पूछें कि वाकई ये सारे अरबी कुरान जो आप देख रहे हैं ये सारे क्या वाकई अल्लाह ने भेजे हैं या के लोगों के लिखे हुए हैं, और इनमें इन सारे अरबी कुरानों में एक दूसरे से मुख्तलफ चीज़ें क्यों हैं। अगर एक ही है तो सब में एक ही चीज़ होनी चाहिए, एक ही लफ्ज़ होना चाहिए। लोहे महफूज पे कौन सा कुरान लिखा हुआ है इनमें से, दूरी है, हफ्स है, वर्ष है, कालून है, इब्ने कथीर है, कौन सा कुरान है जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और अभी भी 37 डिफरेंट, ये देखें इसने 37 डिफरेंट कुरान ऑर्डर किए हैं और अभी भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों
अगर आपको कोई क्वेश्चन है इन चीज़ों के बारे में, डेफिनेटली मैंने गलतियाँ की होंगी इस प्रेजेंटेशन में, मैंने रफ सी प्रेजेंटेशन की है, थोड़ी बहुत जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने आपसे शेयर की है, इनमें जो भी गलतियाँ हैं वो आप मुझे बताएं कमेंट्स में, और अगर कोई मेरे से मिस्टेक हुई है तो डेफिनेटली उसके ऊपर रजू कर सकते हैं, और डेफिनेटली अगर गलत बोल दिया तो ये मेरी मिस्टेक है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके साथ स्ट्रीम ख़त्म करते हैं, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करें, आपकी फीडबैक से मुझे समझ आएगी कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।